नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। इसमें सीट वर्ष कंबल प्रदान किया जा रहा है। कृष्णा प्रसाद जी जिला की महिला वर्किंग प्रेसिडेंट, इस वार्ड में हमारी पार्टी की नेता रेखा प्रदीप सिंह हमारे भाई हैं और भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। आसानसोल नगर निगम गठन के बाद से हर वार्ड में राज्य के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उन्नति का काम हो, ये हम लोगों ने देखा। ये सच है कि पिछले नगर निगम चुनाव में हमारी प्रत्याशी रेखा यहां से पराजित हुई, लेकिन चुनाव में हार जीत ही बड़ी चीज नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो चुनाव में जीतने के बाद भी घरों में बैठ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो चुनाव में पराजित होने के बाद भी जनता के दुख दर्द को बांटने का प्रयास करते हैं, जनता की उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं। मुझे ये हम लोग देखते भी कि समाज में जब किसी पास पैसा आ जाता है तो वो सोचते हैं कि हम एब्रॉड में घर बनाएं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाएं। आपको दिख रहा है कि आप इन दिनों गरीबों के आंसू पोंछ रहे हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से आपके पास? देखिए, ये मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला आपको चैनल को बहुत बहुत मैंने बधाई दे रहा हूँ, नमस्कार और शुभेच्छा दे रहा हूँ आपको। नए साल को हार्दिक शुभकामनाएं, आंतरिक अभिनंदन। आपको मैं बता दूँ, ये प्रेरणा हमारे माता पिता से मिला है, और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये वितरण करके या समाज में सेवा करके हमको बहुत खुशी होता है और सुकून मिलता है। पैसे तो बहुत हम आज भी स्टेटमेंट हम दिए हैं आपका बस्तीन बाजार में, हमसे लाख गुना बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इस समाज में आगे नहीं आ पा रहे। बहुत को मन में डर है, पैनिक है। हम रेडर इंसान है, मरना सिर्फ एक बार है। हम ईश्वर को भरोसा करते हैं, इसीलिए अपने कमाई का दशांश ये समाज के लिए हम हमेशा इस तरह का कार्य करते रहेंगे। अगर समाज का, मीडिया का, अब मीडिया का बहुत योगदान है, ऐसा बात नहीं है, मीडिया हमेशा हमें योगदान देता है। अब मीडिया को भी हम बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, और नया साल को पूरे मीडिया को, पूरा शिल्पांचल वासियों को, पूरा मीडिया को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। बोलिए, क्या बोलना? इन दिनों हम लोग देखेंगे जो गरीब लोग हैं आपको देख के उनसे उम्मीद बन रही है, उनके लिए और फ्यूचर में क्या प्रोग्राम आपका? फ्यूचर में देखिए भैया, मेरा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक काम करने दीजिए। पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सामाजिक हम सिपाही हैं, एक सामाजिक सिपाही की तरह हम काम कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के ऊपर में। ईश्वर जब चाहेगा, ऊपर वाला जब चाहेगा तभी होगा। नहीं, और कुछ बने, और कोई इसके कंबल के अलावा और क्या स्टेप है? जो लोग, जो बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने चाह रहे हैं, उनके पास किताब नहीं है, उसके लिए क्या स्टेप है? देखिए, अभी बहुत सारे कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जैसे समाज में आपको पता होगा, एक स्किल इंडिया जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उससे हटके एक कार्यक्रम हो रहा जो हमारे पास बहुत बुजुर्ग लोग भी आए थे, और जो मान लीजिए कि आजकल बेटे लोग या जो भी बोलिए, आज अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं। माता पिता हमारे भगवान है, साक्षात ईश्वर है। जैसे आज हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम तो समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने माता पिता को पूजा करिए, फिर भगवान का पूजा करिए, क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने साक्षात अपने माता पिता को देखा है। तो माता पिता को पूजा करना चाहिए, इससे बढ़ोतरी होती है, समाज में भी अच्छा मैसेज जाता है, और ये समाज को मैसेज दे दें। और आपको मैं बता दूँ कि आगे जो कार्यक्रम मेरा है, एक मेडिकल कॉलेज का, एक स्टेडियम का स्कूल भी बनाएंगे, उसमें जो बच्चे अच्छे, मान लीजिए कि आज स्कॉलरशिप किसको दिया जाएगा,
जिसका 90 अबव होगा, 95, 98, 99% उसको हम लोग निःशुल्क करें, टैलेंटेड जो विद्यार्थी रहेंगे। अच्छा, हम लोग इन दिनों देख रहे हैं कि समाज में ओल्ड एज होम का जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रहा, क्या लग रहा है सोसाइटी किस तरफ जा रही है? सोसाइटी भैया देखिए, उसीलिए तो बोले ना, सोसाइटी बहुत ख़राब की ओर जा रही है। मैंने एक स्पीच भी दिया था कि आज से कुछ दिन पहले, आज जैसे दमदम एयरपोर्ट में अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए, कैसे अमेरिका में लड़का डॉक्टर था, आपको न्यूज़ में भी आया था, टेलीग्राफ में भी आया था, सब जगह आया था, तो वो वहाँ से आया था अपने माँ बाप, यहाँ पिता स्वर्गवास हो गया था, माँ थी, वो लेके जा रहे थे, एयरपोर्ट में ही छोड़ दिए, एयरपोर्ट में छोड़ करके माँ इंतजार करती रह गई, बेटा यहाँ से बेच बाच करके संपत्ति लेके चला गया। तो समाज में मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ओल्ड एज होम, इसमें दो राय नहीं है कि ओल्ड एज होम बढ़ रहा है, लेकिन आज माता पिता को ना भूले, माता पिता ही भगवान है, बार बार ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर माता पिता ही है। आपको ये तहजीब कहाँ से मिला इतने झुक के बात करने का? हम हमेशा बड़ों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और मैं झुक करके देखिएगा, अगर समुद्र का लहर आता है, अगर झुक जाइएगा तो आप बच जाइएगा, खड़ा रहिएगा तो टूट जाएगा। चलिए, हम लोगों ने देखा कि आप 32 वोट से हारने के बाद प्रीवियस लगातार आप लोगों के लिए काम कर रही हो, आज आपका क्या कार्यक्रम हुआ? जी, आज कृष्णा भैया की मदद से और आपका मेयर साहब के हेल्प से आज अपने वार्ड में हम कुछ गरीब लोगों को कंबल दान कर पाए हैं, जो मतलब हर तरफ से गरीब हैं, जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता, आज उनके लिए ये कंबल दान करके मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर उनका मदद मिले तो मैं इससे भी अच्छा अच्छा काम करना चाहती हूँ अपने वार्ड में। 4 साल में आपने क्या क्या काम किया अपने वार्ड के लिए? जी, 4 साल में बहुत बड़े काम हुए हैं मेरे वार्ड में, मैंने खुद किया है वो सब काम। कईयों के घरों में जो खाना वगैरह का कुछ समस्या है, खाना नहीं बनता, उनके घरों में सामान पहुंचाना या फिर कंबल नहीं है, साड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, बच्चों के स्कूल के लिए मैंने खुद पैसे दिए हैं किताब कॉपी के लिए, लेकिन ये सब उल्लेख नहीं करना है तो ही अच्छा है, क्योंकि कुछ करके बताने में गर्व नहीं होता। अभी जो आपके वार्ड है उसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या दिखाई देता है, क्या बेसिकली मेरे वार्ड में प्रॉब्लम देखिए, गरीबों का जो मेन प्रॉब्लम है वो है उनके लिए एक नौकरी, क्योंकि हर एक गरीब यही चाहता कि अगर इंसान एक कंबल इस वजह से हम उनका एक रोज का जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं, लेकिन जो हम उनके लिए एक नौकरी का अगर उपाय करते हैं छोटा सा भी, तो उनके लिए रोजमर्रा जिंदगी से बचने के लिए एक उपाय हो जाएगा। इतने लोगों के दरमियान कंबल बांट के आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, इतने लोगों का जो दुआ है आज मुझे लगेगा, और मुझे बहुत खुशी है कि आज इन लोगों ने, विशेषकर महिलाओं ने आज मेरा साथ दिया है, जो इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि महिलाओं का साथ हमेशा रहता है, वो मेरे एक आवाज़ पे मेरा उत्साह बढ़ाती हैं, तो आज उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। इसके बाद इस वर्ड के लिए और क्या करना? इसके बाद मेरा कोशिश है कि मैं अभी रास्ता बनाने के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मेरा कुछ दिनों में ही काम शुरू होने वाला है। अगर रास्ता होने के बाद, कईयों ने मुझसे शिकायत की है कि लाइट और बिजली का प्रॉब्लम है, तो उसके बाद मेरा वो काम शुरू होगा।